नागपुर के बड़कस चौक पे नागरिकों द्वारा प्रशासन के खिलाफ मलबा हटाओ आंदोलन किया गया। पिछले 1.5 वर्षों से सड़क किनारे पड़ा मलबा हटाने की मांग की गई। डेढ़ दो साल से प्रशासन द्वारा बड़कस चौक पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। यहां से निकलने वाला मलबा सड़क किनारे डाला गया है और ये मलबा 1.5 वर्ष से वैसे ही सड़क किनारे पड़ा है, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इस मलबे की वजह से अब तक कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसीलिए नागरिकों ने गुरुवार को बड़कस चौक परिसर में मलबा हटाओ आंदोलन किया, साथ ही हाथ ठेले के जरिए मलबा उठाते हुए प्रदर्शन किया गया और जल्द से जल्द सड़क का कार्य पूरा कराने के साथ मलबा हटाने की मांग भी की गई। हा मागच्या 1.5 ते 2 वर्षापासून हे रस्ता रुंदीकरणाचं काम चालू आहे। कसं आहे, कलेक्टरच्या आदेशानुसार कॉर्पोरेशननी जे घरं तोडलेले आहेत, घरं तोडल्यानंतर हा मलबा रस्त्याच्या अशा कडेलाच टाकून ठेवलेला आहे। येता जाता इथे अपघात होतात आणि उचलायला आम्ही जेव्हा तक्रार केली तेव्हा PWDवाले कॉर्पोरेशनचं नाव सांगतात, कॉर्पोरेशन PWDचं नाव सांगते। शेवट हा मलबा उचलणार कोण हा प्रश्न आमच्यासमोर पडलेला आहे, त्यामुळे आम्ही हा मलबा आज NMC कॉर्पोरेशन गांधीबाग झोनला घेऊन जाणार आहोत।